नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइट टू शिक्षा में। हम एक सवाल करना चाहेंगे आपसे। अगर आपने कभी भी सुना है कि कोई चेयरमैन, जैसे कि टाटा ग्रुप का चेयरमैन या फिर कोई इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, मल्टी बिलियन डॉलर्स का होल्डर, अपने एक्स एम्प्लॉई को बीमार पाए और उसके घर ड्राइव करके चला जाए उसकी हालत पूछने। गौर कीजिएगा दोस्तों, ये एक्स एम्प्लॉई की बात कर रहा हूँ मैं, और कोई बड़ा बिग शॉट डायरेक्टर नहीं, बल्कि एक नॉर्मल एक्स एम्प्लॉई। अगर ऐसी कोई स्टोरी आपने सुनी है तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों हमें, क्योंकि हम इस पे वीडियो बनाएंगे जरूर। हम एक स्टोरी आपके सामने लाएंगे द ग्रेट रतन टाटा की, जो टाटा ग्रुप के कई वेंचर्स में से एक कंपनी के एम्प्लॉई, जो 2 साल से तबीयत जिनकी खराब थी, उनको मिलने मुंबई से पुणे चले गए। पे उन्होंने अपने एक्स एम्प्लॉई को जाकर गुड विशेस दी और उनका मनोबल बढ़ाया। ये स्टोरी कहीं भी मीडिया में आपको नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि ये मीडिया प्रेजेंस में था ही नहीं। रतन टाटा जब भी कोई फिलैंथ्रोपी या फिर कोई ह्यूमैनिटेरियन एड का काम करते हैं तो वो कभी भी मीडिया और तामझाम लेकर नहीं चलते हैं, और इसीलिए वो महान कहलाते हैं। रतन टाटा के एथिक्स, प्रिंसिपल्स और वैल्यूज पूरी दुनिया मानती है। और अगर आपको नहीं पता दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि जब 26/11 जब 26/11 मुंबई टेरर अटैक हुआ था, ताज होटल में टेररिस्ट घुस गए थे, तब रतन टाटा खुद वहां मौजूद थे। उनको जरूरत नहीं थी वहां रहने की, पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझा, उन्होंने अपनी ड्यूटी समझी। और इतना ही नहीं, जो भी 80 एम्प्लॉइज ताज होटल के उस टेरर अटैक में अफेक्ट हुए थे, रतन टाटा ने और टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट ने उनके बच्चों का पूरा एजुकेशन स्पॉन्सर किया, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस कवर किए, और उनकी पूरे परिवार के लिए और उनके डिपेंडेंस के लिए और उनके आने वाली पूरी जिंदगी के लिए सारे एक्सपेंसेस रतन टाटा ने बेयर किए। इन एम्प्लॉइज पे जितनी भी लोन थी, कितने भी अमाउंट की, वो भी सारी टाटा ग्रुप ने क्लियर की। ये होती है दोस्तों अपने एम्प्लॉइज के लिए अफिलिएशन और अपने एम्प्लॉइज के लिए प्यार और इज्जत। कोविड-19 के दौर में भी रतन टाटा ने उन कंपनीज के बारे में स्टेटमेंट दिया था जो अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रही थी या जॉब से निकाल रही थी। उन्होंने ये कहा था कि क्या यही आपके एथिक्स आपको सिखाते हैं? क्योंकि टाटा ग्रुप ने दोस्तों पूरे कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान किसी को नौकरी से नहीं निकाला, और नहीं ऐसी कोई खबर आई है। इसके अलावा टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 1500 करोड़ रुपीज प्लेज किए हैं कोविड-19 फाइट में हिंदुस्तान के लिए। इन 1500 करोड़ में 500 करोड़ तो टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट ने या टाटा ट्रस्ट ने सिर्फ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, टेस्टिंग किट्स और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के लिए प्लेज किए थे और दे भी दिए थे। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों ये, पर ये फैक्ट है कि रतन टाटा एक इतने बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट है, मतलब इतना ज्यादा दान करते हैं कि उनके 65% से ज्यादा शेयर्स रतन टाटा के चैरिटेबल ट्रस्ट में हैं। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ले लो, या फिर कई सारे इनके ऐसे ट्रस्ट है जो कई सारी यूनिवर्सिटीज में भी खूब सारा डोनेशन देते हैं, सो दैट बच्चों को पढ़ने का मौका मिले और आगे बढ़ने का मौका मिले। एजुकेशन, मेडिसिन और रूरल डेवलपमेंट में रतन टाटा ने कई करोड़ों रुपए डोनेशन दिए हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल ले तो 2014 में टाटा ग्रुप ने 950 मिलियन रुपए दिए थे IIT बॉम्बे को। ये आज तक का लार्जेस्ट डोनेशन है किसी भी कॉलेज को मिला है पूरे हिंदुस्तान में। उन्होंने वहाँ पे टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन डेवलप करवाया, जो लोगों की रोजमर्रे के जीवन में इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को ऐड करके इनोवेशंस के लिए काम करता है। इसके अलावा उन्होंने $28 मिलियन और $50 मिलियन कॉर्नल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दिया है, ताकि जो हिंदुस्तानी बच्चे मेरिट से वहाँ आते हैं और फीस नहीं भर पाते हैं, उनको ये यूनिवर्सिटीज हेल्प कर पाए। हम दोस्तों राइट टू शिक्षा में बेहद इंस्पायर्ड है इंडिया के इस ग्रेट बिजनेसमैन रतन टाटा जी से, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ हासिल किया है और उसके बावजूद वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ और हम्बल है। रतन टाटा सर की लीडरशिप में जो कंपनी 1991 में $5 बिलियन का रेवेन्यू बनाती थी, वो 2016 में $103 बिलियन तक चलेगी। 50 गुना, 50 टाइम्स दोस्तों, नॉट 50%, 50 टाइम्स उन्होंने अपनी कंपनी को बढ़ाया है। टाटा ग्रुप के टॉप लेवल की लीडरशिप और अपने एम्प्लॉयज के लिए उनकी संवेदनशीलता हम सब के लिए एक लर्निंग है दोस्तों, कि चाहे हम कितने भी मुकाम हासिल कर ले लाइफ में, बट हम्बल होना और दूसरों के लिए सिंपैथेटिक होना, ऐसी वर्चुज और ऐसी क्वालिटीज है दोस्तों जो जिंदगी भर हमारे जाने के बाद भी लोग हमारे बारे में याद रखेंगे। राइट टू शिक्षा इज अ बिग फैन ऑफ सर रतन टाटा। वी विश द 83-year-old अमेजिंग पर्सनैलिटी एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी और अच्छी लाइफ उनके आने वाले समय के लिए। अगर आपको हमारी बताई जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज और ऐसी स्टोरीज कवर करते हैं जो आपको, वी शुड ऑल फील प्राउड दोस्तों कि रतन टाटा जैसे महान आदमी एक इंडियन है। और अगर आप भी इस बात से प्राउड फील करते हो तो एक लाइक बटन तो हिट करना इमीडिएटली बनता है दोस्तों।